केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि अगर टोल प्लाजा में जाम लगता है या फिर आपको वेट करना पड़ता है तो आपको टोल देने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस समय हम जम्मू के बन टोल प्लाजा में हैं, जहां पर काफी देर से हमारी गाड़ी खड़ी है। मेरी क्या आप देख सकते हैं लाइन कतारों में गाड़ी खड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टोल जो है वो लेंगे ही लेंगे। ये सिर्फ कागजों में और टीवी चैनल्स में ही रह जाता है कि अगर आपको इतनी देर वेट कराया जाता है तो आपका टोल नहीं लगेगा, आपसे टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि कितना वेट यहाँ पे करना पड़ता है, 2-3-4 मिनट लग जाते हैं। हालांकि कुछ सेकंड्स के लिए ही कहा गया था। आप तस्वीरें देखिए, बन टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। कभी कभी यहाँ पर इतनी लंबी कतारें लगी होती हैं, इतना जाम होता है कि 10 से 15 मिनट लग जाते हैं लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। फिलहाल आप ये वीडियो जो देख रहे हैं जम्मू के बन टोल प्लाजा की है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो प्राइवेट कोई टैक्सी हो, लोकल गाड़ी हो, कोई भी अगर यहाँ से कटरा जा रहा है, यहाँ से रोड आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, लोग कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, पटनी टॉप, उधमपुर, हर इलाका इसी टोल प्लाजा से किसी को होकर निकलना पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन टोल प्लाजा है ये, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के चलते ही कम से कम 2-2.5 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट होने वाले हैं। तो अभी तक गाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से रुकी हैं, गाड़ी बिल्कुल, चाहे वो प्राइवेट हो, बसेस हो, हर किसी को यहाँ पे वेट करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे इतनी इन्होंने लेंस बनाई हुई है, हर किसी लेंस को खोला हो, फास्ट टैग सबने लगाए हुए हैं, तो फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर इतना वेट जो है वो करना पड़ता है। यहाँ तो इनके पास टीम वर्क इनका कम है, इनके पास टीम नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितना वेट जो है वो सबको करना पड़ता है। हालांकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने बयान में भी कहा था कि बन कोई भी टोल प्लाजा हो, मैं बन टोल प्लाजा की बात नहीं करता, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जितने भी टोल हैं आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको बस आना है, टोल कटेगा, सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन वही वेट करना पड़ता है। टीम नहीं है इनके पास, यहाँ तो टीम वर्क कम है, मशीनरीज नहीं है, क्या सिस्टम है वो इन्हीं लोगों को पता होगा। फिलहाल आज खबर का माध्यम यही था बन टोल प्लाजा से आप सभी को दिखाने का कि यहाँ पर वक्त जो है वो काफ़ी लगता है। ये सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल्स में ही है कि सेकंड में आपको बन टोल प्लाजा से निकलना है, अगर आप नहीं निकलोगे तो आपका टोल नहीं काटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टोल कटेगा ही कटेगा, चाहे आप 5-10 मिनट रुके रहो, टोल आपका कटना ही कटना है। हालांकि अब आप तस्वीरें देखिए, ये बन टोल प्लाजा अभी हम पहुँचने वाले हैं, हमारा टोल कटेगा। यहाँ पर हर लेन में अलग अलग तरह के लगे हुए हैं पिलर्स। हम इस समय कटरा जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे टोल हमारा भी, अब आप देखेंगे 3 मिनट के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारा टोल जो है वो कटा है और अब हम कहीं ना कहीं टोल देके हम निकल चुके हैं। तो माध्यम यही था कि केंद्र सरकार द्वारा कहा जाता है कि कुछ सेकंड का वेट करना है, टोल नहीं कटेगा, लेकिन तस्वीरों में आपने देखा कि हमारा टोल कटा है। हम यही गुजारिश करेंगे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन के जो मंत्री नितिन गडकरी जी से कि हर टोल प्लाजा पे देखें कि अगर इनके पास टीम नहीं है तो इन्हें कहीं की टीम बढ़ाएं ताकि लोगों को यहाँ पर वेट ना करना पड़े। इसी खबर के साथ आप हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।